साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में बहुत ही शानदार इंटरव्यू एक होने वाला है। 1907 में बना हुआ, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, 1907 में बना हुआ गुरुद्वारा, गुरुद्वारा साहिब चहल डिस्ट्रिक्ट सोलन में है, हिमाचल प्रदेश में। और मैं आपको यहाँ के जो होलसेल हैं, जिनको हम सेवादार भी बोल सकते हैं, और सब कुछ हैं। बाबा जी नमस्कार आपको। नमस्कार जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे जी, बहुत ही बढ़िया। क्या नाम है आपका बाबा जी? मेरा नाम प्रितपाल सिंह है जी। प्रितपाल सिंह है जी। जी जी, जो आप इस गुरुद्वारे में जो 1907 में बना है, इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताएं, और आप कब से हैं इस गुरुद्वारे में, पहले ये बता दें। मैं पिछले 21 साल से अपने तीनों बेटियों समेत, परिवार समेत यहाँ गुरुद्वारे साहब में सेवादार, प्रबंधक, ग्रंथी, सब कुछ, सारी सेवाएं निभा रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो इस गुरुद्वारे के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। ये गुरुद्वारा साहब जिन जहाँ आप दर्शन कर रहे हो, ये गुरुद्वारा साहब का निर्माण पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह ने 1907 में किया था। जब उनको अंग्रेजों ने शिमला एंट्री बैन किया था, तब उन्होंने चहल को समर कैपिटल बनाया था। जब समर कैपिटल बनाया तो सबसे पहले शुरुआत गुरुद्वारा साहब से की है, क्योंकि गुरुद्वारा साहब का बिजली मीटर नंबर MEC 1 है। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ चहल। ओके ओके। और जब ये रियासत खत्म हुई तो पहले ये पेप्सू पंजाब के अंडर था। जब हिमाचल प्रदेश का निर्माण हुआ तो ये गुरुद्वारा साहब का प्रबंध, कहने को तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट भाषा संस्कृति विभाग के अंडर आ गया, पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये गुरुद्वारा साहब को बिल्कुल नेगलेक्ट किया हुआ था। इसकी हालत इतनी खस्ता थी, जब मैं 2001 में मेरी पोस्टिंग हुई, जो गुरुद्वारा साहब की इतनी खस्ता हालत थी कि यहाँ 70 दिन लाइट कटी हुई थी। तो ये क्या सरकार के अंडर में आता है? हाँ जी, ये हिमाचल प्रदेश सरकार के अंडर है जी। okay, और यहाँ एक अंशकालिक सेवादार की पोस्ट है। आज की तारीख में सरकार की तरफ से 150 रुपये दिहाड़ी दी जाती है 4 घंटे के लिए। पर हम विद फैमिली 24 घंटे ये गुरुद्वारा साहब की सेवा कर रहे हैं। वैसे तो मैंने MA पंजाबी की हुई है, 1 साल LLB कर रहा था और 84 में, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में फ्रेंच लैंग्वेज कर रहा था, वो राइट्स करके मेरी ड्रॉप हो गई। पर MA पंजाबी मैंने 78 की किया पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। पर 2001 से गुरुद्वारा साहब की सेवा करने का मौका मिल गया, तब से हमने सारा बिजनेस भी मैंने बंद कर दिया और गुरु की सेवा में हम लगे हुए हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो आप यहाँ इस गुरुद्वारे के बारे में हमें कुछ बताएं, और ज़्यादा बताएं। ये गुरुद्वारा साहब, चलो महाराजा पटियाला ने बनाया तो 1907 में था, और पहले यहाँ ग्रंथी और सेवादार की पक्की पोस्ट होती थी। 1985 में गवर्नमेंट ने सभी पोस्टर खत्म करके एक अंशकालिक सेवादार की पोस्ट रखी है। हालांकि पूरे चहल की आबादी 1200 है, पहले 5-7 परिवार सिख परिवार हुआ करते थे चहल में, पर आज की डेट में एक ही सिख परिवार में 6 मेंबर है, और हम भी अब 4 मेंबर रह गए। एक बेटी की शादी हो गई है। ये गुरुद्वारा साहब की जगह तो 2 बार मैंने RTI डाली है, गवर्नमेंट ने बोला कि हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, जंगलात विभाग ने बोला हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, पर क्योंकि मेरे को दूसरे सोर्सेज से पता चला गुरुद्वारा साहब की ज़मीन 13.8 बीघे है, इट मीन्स पूरा चहल गुरुद्वारा साहब की लैंड में बसा हुआ है, क्योंकि सरकार की तरफ से किसी तरफ का कोई सहयोग नहीं मिल रहा। बाकी मैं संगतों से बेनती करता हूँ, हमारा संगतों के रहने के लिए 40-50 लोगों के रहने के लिए जगह है। लोग तो कहते हैं यू आर लिविंग इन हेवन प्लेस, सच में ये स्वर्ग है। जब एक बार आप यहाँ आओगे, दर्शन करोगे, तो आपको यहाँ जाने का मन नहीं करेगा। और हमारे पास रहने की सुविधा है, बेशक डॉर्मेट्री है, लग्जरी तो नहीं है, गुरुघर में तो हमेशा सिंपल जगह ही होती है। तो आप लोगों से भी प्रार्थना है, आप जब भी आए, बजाय किसी और हिल स्टेशन जाने के, यहाँ पीसफुल एरिया, आप यहाँ चहल आओ, ये गुरुद्वारा साहब के दर्शन जरूर करो, और जो भी सेवा आपकी तरफ से कर सकते हो जरूर इसमें करो, आप सेवा करो। बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, जो टूरिस्ट आते हैं या जो ये वीडियो देख रहे हैं, यदि वो यहाँ पर आते हैं, चहल में आते हैं, तो क्या उनके लिए यहाँ पर रहने की व्यवस्था हो सकती है? हाँ जी, हाँ जी, यहाँ तो किसी टाइम महीने में 30-40-50 लोग आया करते थे, पर चलो गुरु की कृपा से मैंने थोड़ा कंप्यूटर सीखा, सोशल नेटवर्किंग की, फेसबुक से संगतों को पहुँचाया। अब तो गूगल पे भी आप सर्च करो गुरुद्वारा साहब चहल है, चहल की आती है, और यहाँ जो भी संगत आती है, रहने की सुविधा तो है। बाकी अगर ग्रुप जैसे आता है तो वो अपने मिल के लंगर भी तैयार कर सकते हैं, खाना वगैरह बना के,
खुद भी वो सारा तैयार कर सकते जी हैं। जी तो यहाँ पर जो आते हैं रहने के लिए तो क्या उनसे कुछ चार्ज भी उन्हें देना पड़ेगा? हाँ जी, यहाँ सरकार की तरफ से, क्योंकि गुरुद्वारा साहब की और आमदन का कोई जरिया नहीं है, सरकार की तरफ से 100 रुपए पर हेड के हिसाब से डेली का चार्ज है। अच्छा, वो एक थोड़ा सा पर्ची कटानी पड़ेगी उन्हें? हाँ, या पर्ची तो नहीं, चलो एंट्री करनी पड़ेगी, एंट्री करनी पड़ेगी, 100 की एंट्री करनी पड़ेगी। जी जी जी। और वो यहाँ पर आराम से रह सकते हैं? तो कितने दिन तक रुक सकते हैं यहाँ पर? वैसे तो गुरुद्वारा साहब में 2 या 3 दिन के लिए होती है सुविधा, पर अगर खाली है जगह, खाली अगर तो कोई प्रोग्राम है तो फिर तो मजबूरी होती है ना, सबको एडजस्ट करना है, नहीं तो मेरी डिस्क्रिप्शन पे जितने भी दिन आप रहना चाहो, तो 2-4-5 दिन रुकना चाहे तो रुक सकते हैं। 4-5 दिन रुकना चाहो, मोस्ट वेलकम। बहुत ही बढ़िया, यू कैन कम एनी टाइम। बहुत ही बढ़िया। तो जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देंगे, जो भी सिख कम्युनिटी या जो भी भारत के नागरिक, जो हमारे देश के नागरिक या जहाँ से भी जो देख रहे हैं इसको, उनके लिए आपका क्या संदेश है? किसी भी कम्युनिटी के लोग आए, यहाँ गुरुद्वारा तो हर किसी के लिए खुला है, और जब मर्जी चाहे आधी रात को आप आ जाओ, हम आपका वेलकम करेंगे, और जो सुविधा हमारे से प्रदान होती है वो जरूर करेंगे। तो आप जरूर आओ, एक बार जरूर दर्शन करो, दोबारा जाने का मन नहीं करेगा आपको, वापस जाने का मन भी नहीं करेगा। सही कहा आपने, बहुत ही बढ़िया। तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आपने हमसे बात की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।